तो गाइस मैं आपको एक पर्सन से मिलवाने वाली हूँ। दो दिन की मेहनत कहाँ से खरीदी ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आंख मटक्का कर रहे क्या, जिंदगी को लेकर परेशान है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। तो आज है संडे और छुट्टी है हम लोग का। छुट्टी है तो संडे के दिन जो भी करेंगे हम लोग सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, बहुत अच्छी यहाँ पे हवा चल रही है अभी, बहुत अच्छी। तो अभी से जो हम लोग करेंगे वो आपको दिखाएंगे, बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस इस लड़की को देखिए, पूरे बॉडी में ना क्या लगा रही हो, बॉडी वॉश, मुंह में फेस वॉश, नेचुरल फेस, कहना क्या चाहती हो ये? पागल हो क्या, तब से बोले उतार दो गाना, बज रहा कुछ सुनाई नहीं दे रहा तुमको। अच्छा, a few moments later। तो गाइस आज है संडे और हम लोग अभी खा रहे हैं, आप देख सकते हो, नाश्ता मतलब नाश्ता नहीं, खाना बोल सकते हैं इसको, क्या है, आलू राजमे की सब्जी, सैलेड, आम एक देख सकते हो, और यहाँ पे रोटी। तो मैं खा के आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद। तो गाइस मैंने खाना पीना खा लिया है और अभी देखते हैं। हाँ तो गाइस मैं आपको एक पर्सन से मिलवाने वाली हूँ जिसका आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और पूछ भी रहे थे। क्वेश्चन आंसर का मैंने पोल डाला तो उसमें भी बहुत सारे लोग मतलब दो तीन पूछा था, तो एक का मैं डाली थी उसमें आंसर क्वेश्चन में, पूछ रहे थे प्राची क्यों नहीं आ रही तुम्हारे ब्लॉग में। तो ये रही प्राची और आ चुकी है घर से, आपको सब बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, मेरे से ज्यादा आपके बारे में पूछ रहे थे सर। क्या बात है, हम प्राची क्यों नहीं आती है, प्राची क्यों नहीं आती है तुम्हारे ब्लॉग में सब। हम अभी घर गए हुए थे, हाँ आ गए हैं एक महीने बाद, बेचारी बहुत दिन घर पे रही, हम लोग बहुत मिस कर रहे थे इनको, क्योंकि ये रहती है ना तो ब्लॉग बनाना और भी ज्यादा ईजी हो जाता है, बन जाता है मेरा। और घर पे मजा आया? हाँ मजा तो आया, मन बेचारी फैट कम करके आई है, बहुत दुबली पतली हो गई है। बहुत तो नहीं, पेट वेट पूरा अंदर चला गया आपका, अब इसको मेंटेन करना है नहीं तो मम्मी मारेगी। और पूरे रूम का हालत मैं आपको दिखाती हूँ, कोई भी स्टूडेंट जाता है ना अगर घर वर सब, तो उसके रूम का जो हालत है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उंगली देखिए कितना ज़्यादा धूल है, हर जगह धूल धूल धूल, हर जगह धूल। और अभी से साफ करने में लग जाएंगी आप, नहीं आप देख सकते हो सब कुछ पे कितना ज़्यादा देख सकते हो धूल है। अब बेचारी को धोने पोछने में कम से कम कितना दिन लगेगा, आज ही करेंगे ना, आज ही करेंगे ना सब, करने तीन चार घंटे लग जाएंगे। अभी बेड धूप में डाल के सब स्मेल कर रहा है, बेड वेड धूप में चला गया है। खाना खाई है? राजमा का सब्जी खाएंगी? वो नहीं खाती है ना, मेरी दीदी बनाई है राजमा का सब्जी। और ये देखो मेरी नई डॉल, और डॉल आ चुकी है फिर से, एक चाबी में लटका के रखेंगे आप इनको, इसको छुट्टी चाहिए। और वो डॉल कहाँ गई, पापी डॉल जो एक थी, पापी डॉल इसमें बंद करके तो जल्दी हो जाती ना, इसलिए इसको इसमें बंद करके रखते। पापी नहीं, बहुत प्यारी डॉल है, बिल्कुल इनकी तरह, कितनी क्यूट है आप देख सकते हो। प्राची की फेवरेट डॉल है ये। हाय, हाँ अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मम्मी अपने लिए खरीदी। आप मम्मी के लिए ले गई है, मम्मी आपको दी? नहीं मम्मी अपने लिए खरीद के रखी थी, मैं तो सब बैग तुम ही लेके जाओ। हाँ तो देख लिए, अब ये सफाई में भिड़ जाएगी और पता नहीं तीन चार घंटे तक, हाँ शाम में मिलेगी। पूरा रूम क्लीन करके मैं आपको दिखाऊंगी शाम में, बिफोर आफ्टर दिखाऊंगी मैं। कहाँ से खरीदी ये? अजीब ही है, अजीब ही लग रहा है, बुतिया टाइप का। मेरे पास सारा रिंग रखे, इसका देखो ना कपड़ा, ये पंख से ही ये पूरा ड्रेस, कौन चिड़िया का पंख तोड़ के बेचारी गुड़ी। हाँ पैर है इसके अंदर, इसके अंदर। अरे दीदी मेरे पास नहीं था एक छोटा सा डॉल, मुझसे इसका शादी करवा देंगे। और इसका 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 हम अपने साथ कर लेंगे, नहीं हम अपने साथ करेंगे। हाँ तो गाइस कल ना एक लड़की का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम टाइम में भाई कौन पढ़ता है, हम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते क्योंकि पहले से ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम अगर आप पढ़ते हो ना तो भूल जाते हो, ऐसा कहा जाता है नहीं ऐसा होता भी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका, हर आप इसको देख सकती हो, परसों है इसका एग्ज़ाम, बस एक दो दिन बचा हुआ है।
अगर तुम पूरे साल पढ़ती तो अभी तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, 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 है। और इसका यही है हमेशा का पहले कुछ होश नहीं रहता है। मैम आपकी सफलता का राज क्या है? दो दिन की मेहनत। आदमी सालों साल यहाँ पे लगा देता और यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या तुम सच में सच्चा? और अभी तुम क्या बोल रही थी जब कैमरा ऑफ था? क्या? कि ये पापा के लिए मार्क्स हमको लाना है। क्या बोल रही थी? लेकिन ऐसा कुछ लेकिन बोलो लेकिन अभी तुम क्या बोल रही थी? पापा के लिए मार्क्स लाना जरूरी है ताकि पापा को वो ना लगे कि हम नहीं पढ़े पूरे साल। तुम नहीं बोली हो ऐसा? हाँ तब पर भी अभी तुम्हारा सोने का टाइम था, फिर भी तुम बुक वुक उल्टा के पूरा देखो ये टीचर का चल रहा है। मार देंगे तुम यहाँ से जाओ। हम सच बात बोलते हैं तो हाँ जान ले लो मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो प्याज कचर रही है और मेरे आंखों में आंसू आ रहा है यार। और वहाँ पर आप देख सकते हो खुद की वीडियो खुद देखते रहती है। इसका नाम इस रेसिपी का बताओ। मुझे नहीं पता। हाय मतलब बेवकूफ का अंत है तुम। आलू की कचरी है। आलू की कचरी नहीं होती है, प्याज की कचरी होती है। जो भी हो, इसको खुद नहीं पता है कि ये क्या बना रही है, ठीक है ना? तो कुछ पूछने का कोई मतलब। हाँ हर दिन तुम ट्राई ही करती हो। मेरा ही जान लेने का प्लान है क्या? इसका ट्राई किया हुआ ना कभी कुछ अच्छा नहीं बनता है। थैंक आज कुछ अच्छा। हम कहाँ कुछ हम तारीफ कर रहे दीदी। हमेशा बहुत अच्छा टेस्टी बना, जब जब ट्राई करती है ना बहुत टेस्टी बनता है। आज ही बनेगा, जरूर बनेगा। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कचरी का गोला रेडी हो चुका है और उधर आप देख सकते हो छलनी धोया जा रहा है और इधर कढ़ाई चढ़ी हुई है। प्लीज़ इग्नोर लोहिया। लोहिया इज बहुत ब्लैक। जिया हो बाहुबली, जिया हो बिहार के लाला। बाप रे। व्यूज कुछ इस तरीके का है। इधर एक लड़की उधर दो लड़का सब सबको देख रहा है एक दूसरे को। ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आंख मटक्का कर रहा है उधर। ओह वाओ गाइस आप व्यूज देख रहे हो तो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। वाओ इसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हुआ? जिंदगी को लेकर परेशान है। तुम जिंदगी से परेशान हो? बोल रही हो जल्दी से नौकरी वोकरी हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है बादल, बारिश होने वाली है लग रहा है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत जोरों की आंधी आ चुकी है और अभी बज रहे हैं 8।